हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिल्ली झंडे वाला हनुमान टेम्पल, जो कि दिल्ली वासियों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। मैं आपको दूंगा पूरी जानकारी इस वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। चलिए, सुबह 6:30 बजे का समय और मैं निकल पड़ा घर से झंडे वाला मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी। दिल्ली का ये झंडे वाला मंदिर इसको खास बनाता है इस टेंपल की हनुमान जी की प्रतिमा, जो कि 108 फीट ऊंची है। यहां से आप देख पाएंगे इस टेंपल की खूबसूरती। अभी हम टेंपल के अंदर ही हैं। यहां से ये 3 मंजिला टेंपल बना हुआ है। यहां पे 2 गुफाएं हैं और 1 गुफाओं को अभी बंद कर रखा है, जो कि बहुत गहरी है। ये अखंड रामायण पाठ यहाँ पे 2400 घंटे अखंड रामायण पाठ पढ़ा जाता है और यह चीज कोई 1994 से चलती आ रही है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी देखने में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 गुफाएं हैं। एक गुफा बताते हैं कि बहुत ही गहरी है, काफी समय से किसी वजह से उसको बंद कर रखा है, लेकिन दूसरी गुफा मैं आपको जरूर दिखाऊंगा अभी आगे। यहाँ से चलते हैं अभी हम आगे। हनुमान जी का ये मंदिर अपने अंदर कई कहानियां समेटे हुए हैं। कहते हैं कि किस देते के अनुसार इस स्थान पे कभी एक छोटी हनुमान जी की मूर्ति और भगवान शिव की धुनी पवित्र राग का बर्तन हुआ करता था। स्वर्गीय महंत नागा बाबा सेवागीर जी महाराज अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे, इस जगह पर तपस्या करते हैं। एक बार भगवान उनके सपने में आए और अपनी एक बड़ी प्रतिमा स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की और इस सपने को देखने के बाद उन्होंने इस स्थान पर हनुमान जी मंदिर का निर्माण करते का निर्णय लिया। बाबा सेवागीर जी महाराज के बाद साल 1994 में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया। इस मंदिर को बनाने के लगभग 13 साल लगे। 2006 को बाबा जी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ज्वाला जी मंदिर से पवित्र ज्योति लेकर आए, जो आज तक मंदिर में लगातार जल रही है। आज के समय में 108 फुट ऊंची मूर्ति दिल्ली वासियों या दिल्ली से बाहर के सभी लोगों के आकर्षण केंद्र है। वैष्णो देवी की तरह यहाँ पर भी एक गुफा है, जो मैंने आपको बताया था, वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। मंदिर के द्वार पर एक खुले मुंह वाला राक्षस, जिसकी मृत्यु शैया पर हनुमान जी की मूर्ति बनी है। मंगलवार और शनिवार को आरती के बीच में हनुमान जी की भुजाएं और उनकी छाती पर है वह टेक्नोलॉजी के अनुसार खुलती है, जिसको भक्तों को हनुमान जी के हृदय में भगवान श्री राम और देवी सीता के दर्शन मिलते हैं, जैसे कि रामायण में दिखाया गया है। ये है देखिए ये गुफा यहाँ पे जो अभी बंद कर रखी है। यहाँ हमारे शेरावाली की प्रतिमा है ये, और यहीं से अभी मैं आपको गुफा भी दिखाऊंगा, और शानदार गुफा है। मंदिर के परिसर में भगवान हनुमान जी के अलावा शिरडी साईं, द्वारका देवता, शनि महाराज भी स्थित हैं। यह है महाराज जो मैंने आपकी बताया था अभी अर्जुन के बारे में। मंगलवार को यहाँ भक्तों की बहुत ही जबरदस्त भीड़ उमड़ती है, और यहाँ से हम अभी गुफा में आ गए। मैं आपको गुफा दिखा रहा हूँ यहाँ से, ये देखिए महाकाली। यहाँ पे पानी भी रहता है, अभी पानी नहीं है, थोड़ा ही है पानी, लेकिन ज्यादा पानी नहीं है। यहाँ से मैंने माँ काली को प्रणाम किया और आगे अभी मैं दिखाऊंगा आपको गुफा से बाहर निकलते हुए। यहीं से गुफा का एग्जिट है, बिल्कुल झुक के जाना पड़ेगा आपको। 10 से 12 फीट की ये गुफा है, जो कि बिल्कुल एग्जिट गेट पे निकलती है। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से अभी मैं टेंपल के बाहर आ गया हूँ। यहाँ से देख सकते हैं, ये है एग्जिट, बिल्कुल रोड के ऊपर ये टेंपल बना हुआ है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप किसी गाड़ी या बाइक से आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत पार्किंग की हो सकती है। अगर कोशिश करें आप यहाँ पर मेट्रो से आने की, ताकि आपको पार्किंग की किसी वजह से दिक्कत ना हो। तो ये यहाँ पर एक मिठाई की दुकान थी, बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा यार लोग क्यों ना एक लड्डू का टेस्ट ही देख लें। और यहीं एग्जिट पे बिल्कुल साथ में शनि जी का बहुत एक जबरदस्त और खूबसूरत टेंपल बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी भीड़ है। यहाँ से अभी मैं दिखाऊंगा आपको शनि जी के दर्शन कराते हुए, और यही मेरा वीडियो का पार्ट, लास्ट पार्ट है। यहाँ से देख सकते हैं देखिए किस तरह से भीड़ है, और ये है सामने ही। जब भी यहाँ आए तो शनि देव जी के दर्शन जरूर करें, बहुत ही
जबरदस्त अट्रैक्टिव तरीके से इसको बनाया गया शनि जी का टेम्पल ये, इसलिए मैंने इसको पूरा कवर करने की कोशिश करी। यहाँ से देख सकते हैं साइड में ही ये बना हुआ टेम्पल है। तो गाइस मैंने पूरा टेम्पल को कवर करने की कोशिश करी, यहीं से मैं अपने वीडियो का एंड करते हुए। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो और ये पूरा टेम्पल कैसा लगा। सो दैट्स द एंड ऑफ माई वीडियो। गुड बाय।